हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कुर्ती में प्लेट्स डालने का तरीका। आजकल कुर्ती में प्लेट डालने का बहुत ही ज्यादा फैशन चल रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, मैंने कुर्ती कट कर रखी है जिसका मैंने आगे का हिस्सा लिया है। ठीक है, अब मैं आपको प्लेट्स डालने का तरीका बताती हूँ। यहाँ से गले वाली साइड से मैं 10.5 इंच पे पहला निशान लगाऊंगी, ये देखिए, और यहाँ से 3.5 इंच जो ये बंद वाली साइड है यहाँ से, और पहली प्लेट्स जो मेन प्लेट्स होती है इसकी लंबाई हम रखते हैं लगभग 7 इंच। ये देखिए, ठीक है। और अब जो ये दूसरी प्लेट्स है इसको, ये देखिए, पहली प्लेट से यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए ये निशान, ठीक है, ये निशान 2 इंच पे लगाऊंगी। और जो तीसरी प्लेट्स होती है इसका यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये देखिए। और इस प्लेट्स को जो ये बीच में जो ये निशान है तीरे वाला आर्म होल का, यहाँ से इस प्रकार से सीधा ले जाऊंगी, ये देखिए, ठीक है। और जो ये निशान है मैंने बीच वाला लगाया है, इसको इस प्रकार से ले जाऊंगी, ये देखिए, ठीक है। ये इस प्रकार से ही दूसरी साइड लगा लूंगी, और आपको मैं पीछे के भाग में भी लगा के बता देती हूँ। ये देखिए कुर्ती का पीछे का भाग, इसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। इसमें भी यहाँ से 10.5 इंच और यहाँ से 3.5 इंच, और इसकी भी लंबाई मैं 7 इंच ही रखूंगी। इसमें सिर्फ ये पीछे के भाग में क्या होता है कि मेन ही प्लेट्स डलती हैं, आगे वाले भाग में हमें 3 प्लेट्स डाली हैं हमने, पीछे वाले में सिर्फ ये एक प्लेट इस साइड और दूसरी इस साइड, इसी अंदाज से लगा लेंगे, ठीक है, जो इस साइड लगाई है, ठीक है। अब मैं आपको प्लेट्स डालना बताऊंगी, ठीक है। प्लेट्स डालने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। जो ये मैंने 7 इंच पे पहली प्लेट्स डाली है, इसकी आधी दूरी पे मैं एक निशान लगाऊंगी, आधी दूरी यानी 3.5 इंच, और यहाँ से लगभग दोनों साइड में 0.5 इंच ही लूंगी। बिल्कुल दो सूत इस पहली प्लेट्स के इस साइड और दो सूत उस साइड, और इसको ऊपर से ये इस प्रकार से मिलाऊंगी, ये देखिए इस प्रकार से, और यहां से इसको नीचे की साइड इस प्रकार से मिला दूंगी ताकि आपको प्लेट्स डालने में दिक्कत ना हो, आपको ये पता चल जाए कि मैं सिर्फ इसमें इतना ही कपड़ा दबाऊंगी। अब हम प्लेट्स डालना शुरू करते हैं। यहाँ से इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे, एक साइड वाले हिस्से को, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ से सिर्फ बिल्कुल कॉर्नर पर ही लूंगी, और बाद में इसको जो ये मैंने निशान लगाया है बीच में यहाँ तक ले आऊंगी। मैं आपको डाल के बता देती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ से और नीचे की साइड से तो सिर्फ हम कॉर्नर पे ही सिलाई लगाएंगे, और बीच में जो मैंने निशान लगाया था उतना ही दबाव रखेंगे। अब हमें दूसरी साइड वाली प्लेट से डालते हैं, जो ये साइड में निशान लगाया था इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे, ये देखिए,
और इसकी हम लगभग सिलाई में ज्यादा दबाव नहीं रखेंगे, सिर्फ कॉर्नर पर ही लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको लगा के बता देती हूँ। इसमें सिर्फ इतना दबाव रखना है, ठीक है, ज्यादा दबाव नहीं देंगे। और इसी प्रकार से जो ये ऊपर वाली प्लेट है इसमें भी इतना ही दबाव देंगे, ज्यादा दबाव इसमें भी नहीं देंगे, सिर्फ नॉर्मल। ये देखिए ये देखिए, इसी प्रकार मैं दूसरी साइड वाली प्लेट्स डालूंगी, ठीक है। ये देखिए मैंने दोनों साइड से प्लेट्स डाल ली हैं। ये देखिए इससे क्या होता है कि फिटिंग बहुत ही अच्छी और सुंदर दिखती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।